सभी किसान भाइयों को भाई नमस्कार भाई, सभी किसान भाइयों का भाई राम यूट्यूबर 9896 भाई सबका स्वागत है भाई। तो आज अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे भाई, जिन किसान भाइयों ने भाई गेहूं की खेती कर रखी है भाई, तो कुछ किसान भाइयों की फसल में भाई टाइम से पहले बालियाँ निकल जाती है भाई, तो उनका क्या कारण होता है और भाई किस कारण में निकलती हैं और क्या इनका उपाय है भाई, ये जानेंगे भाई सुखबीर भाई से अपने भाई। ये सुखबीर भाई रहे भाई और इनसे जानेंगे भाई। तो सुखबीर भाई, तो आज अपने किसान भाई से क्या जानकारी दोगे भाई आप भाई? भाई राम राम सारे किसान भाइयों ने। राम राम भाई, राम राम भाई। भाई गेहूं की फसल में, हाँ भाई, भाई कहीं किले से जिसमें भाई समय तो पहला बाल निकट जाए हैं और इनके भाई कई कारण हुए हैं। अच्छा भाई, गेहूं हमें टाइम तो पहला जिन गेहूं हमें बाल निकड़े हुए हैं उसके कई कारण हुए हैं। पहला कारण तो भाई ये हुआ है, हाँ भाई, भाई लोग बाग अगेती फसल बोए हैं। अच्छा, अगेती वैरायटी जो बोए हैं उसने ज़्यादा अगेती बोते हैं, उस वैरायटी ने उसका बोने का सही समय 1 नवंबर तक और 15 नवंबर के बीच में अगेती वैरायटी का टाइम है बोने का। और भाई कई भाई उसने अक्टूबर के 25-20 अक्टूबर ने बोते हैं, इस कारण ये देख कई पेड़ में पहला बाल निकल जाए हैं। देखो किसान भाइयों, देखो देखो भाई, जैसे कि ये बाल निकल गए भाई, यह बीच की डंडी है इसमें देख बाल आ गई। हाँ, बाल आ गई है और नीचे देख पेड़ में ये सारी छोटी फुटाव रह रही हैं। ये देख, ठीक हो, देखो देखो ये देख सारी छोटी फुटाव, सारी छोटी फुटाव है ये और बीच की इस डंडी में बाल निकले, बीच बीच की डंडी में ये देख, दिखाई भाई एक बारी ये बाल निकले। देखो भाई ये बाल निकल गई है भाई, और ऐसे ही भाई एक एक हाथ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर भाई ये देख सारे पेड़, हाँ ये देख सारे का बीमारी फसल। देखो भाई ये देख ये सारे का बीमारी है, थोड़ी थोड़ी दूर पर देखो ये देखो पूरी बालें निकल गई इसमें। तो भाई सारे में बाल निकल आई हैं। फिर सुखबीर भाई, देखिए इस परेशानी से काफ़ी किसान भाई दुखी रहे हैं, तो इसकी भाई इसका क्या हाल है, क्या समस्या भाई, या किस कारण भैया ठीक होगी भैया? भाई अगेती फसल, हाँ भाई, भैया गेहूँ का अगेती फसल का बुएरा, हाँ भाई, 1 नवंबर तक और 15 नवंबर तक, हाँ हाँ, बढ़िया बुएरा है। अच्छा भाई, इसके बीच में जो फसल बोओगे गेहूँ की बढ़िया फसल होगी। जो अपने किसान भाई माड़ी ही ज्यादा अगेती बोदा फसल ने, कई किसान भाई ने सोचा भाई अगेता बीज है थोड़ा अगेता बोदे, उसने अक्टूबर के लास्ट में बोदे हैं। अच्छा, इस कारण इनमें यह समस्या आवा है, यह जल्दी बाल निकड़ा है। इस टाइम पे मौसम गर्म हुआ है और गेहूं की ना तो भाई फूट होने पाती गर्मी के कारण, मौसम के कारण नहीं होती है, मौसम गर्म हुआ उस टाइम पे, जिस टाइम अगेते गेहूं बो किसान भाई गेहूं बो गए उस टाइम पे ठंड का मौसम नहीं होता, इसके टेम्परेचर इसके मतलब का नहीं होता, इसके मतलब का नहीं होता, उसमें बीच में एक डंडी सीधी चालू हो जा हुआ। अच्छा भाई, नीचे ना तो पेड़ में फुटा होने पाता, अच्छा ना ग्रोथ होने पाती भाई, जो अक्टूबर के महीने में गेहूं बोया है। हाँ भाई सुखबीर भाई, भाई उनमें यह समस्या हुआ है। अच्छा भाई, उस टाइम टेम्परेचर हुआ ज्यादा, हाँ ज्यादा टेम्परेचर हो भाई, भाई पेड़ ने ना तो ठंड मिलने पाती, हाँ जो मौसम चाहिए वो मिल नहीं पाता, जो हमारी गेहूं की फसल ना जो मौसम चाहिए ठंडा उस टाइम पे नहीं मिलने पाता, इस कारण इनमें ये बाल हुआ है। कोई कोई गेहूं इससे मरिया दिक्कत आवा है, या समस्या आ गई। और भाई जो नवंबर के महीने में, हाँ भाई, 10-15 नवंबर तक जो गेहूं बोजागा, हाँ वो 1 नंबर का बढ़िया मौसम होगा गेहूं बोने का, टेम्परेचर कम हो जाए पेड़ में ग्रोथ बढ़ाओगा। और भाई देखो जो छोटी फूट है, हाँ भाई ये देख जितनी ये छोटी फूट है ये ठंड के मौसम में बढ़िया फुटाव करेगी। तो सुखबीर भाई एक बात बताओ आप, हाँ ये बाय चांस भाई जिन मजूकर ये बाल आ गई कई किला मजुकर भाई कई भैया किसान भैया के बाल भी आ रही भाई ये, हाँ भाई किसी में छोटी किसी में बड़ी भाई जो आ गई भाई आ गई, ये भी इनका कोई समाधान भी है इन बाला का भाई कोई? इनका समाधान एक है, 55-60 दिन की जो फसल हो जाए, हाँ भाई उस समय यह दिक्कत आवे है और इसका भाई जिन पेड़ में बाल आ गई, अच्छा तो भाई उनका कोई उपाय है नहीं। जुकर भाई जैसे ये बाल आ रही, जैसे की यह बाल आ गई, देखो भाई किसान भाई दिखाइए यह बाल आ गई, देखो भाई ये बाल आ गई है और पौधे आपके सारे छोटे हैं बिल्कुल, इसमें आ गई बाल, ये दिखाइए देखो, हाँ इसमें बाल आ गई, बाकी देख नीचे देखो जी, ये देख नीचे छोटे हैं, आपके सारे पौधे छोटे हैं बिल्कुल, देखो ये बाजी में पेड़ में बाल आ गई उसका कोई उपाय नहीं। अच्छा, ये जो हमारे छोटी फूट है, हाँ जो छोटी फूट है जो फुटा हो रही है, जो नीचे जो छोटी फूट है हमें इन्हें बचाने खातर भाई एक तरीका है, 1 कट्टा यूरिया, अच्छा भाई 1 कट्टा यूरिया ले लो और भाई 5 किलो सल्फर, 5 किलो सल्फर, 5 किलो सल्फर, 5 किलो जिंक, अच्छा और 5 किलो पोटास, 5 किलो पोटास
और 5 किलो सल्फर, 5 किलो जिंक, 5 किलो जिंक एक कट्टे मिला लो यूरिया के में, यूरिया के एक कट्टे मिलागा और बस सारे किले में छिड़क दो। एक किले का बताया आपने, जो एक किले का, अच्छा जी, जो हमारी नीचे छोटी फूट है, हाँ जी, ये सारी बराबर आ जाएंगी। अच्छा, ये देखिए नीचे छोटी फूट रही, देखिए हाँ, जैसे कि छोटी फूट आई है, ये देखिए छोटी फूट आई है, फिर बता कर बाल नहीं आओगी ना, ये देखिए रही, हाँ ये जो छोटी फूट है ये सारी बराबर आ जाएंगी इनकी। अच्छा, फिर आगे या दिक्कत नहीं आओगी? आगे या दिक्कत नहीं आओगी, जो छोटी फूट है सारी बराबर हो जाएगी, सारा मैं एक सी बराबर बाल आऊंगी, बढ़िया किला हो जाएगा, कति दाने बढ़िया बनेंगे, बढ़िया दाना पकेगा कति। अच्छी जानकारी दी भाई सुखबीर भाई ने, देखो भाई किसान भाई हो सुखबीर भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी भाई हमें, भाई जिन गेहूँ में लंबी बाल आ जाती है भाई, आप जो जो खाद सुखबीर भाई ने बताया भाई, ये डाल के भाई अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं भाई। तो किसान भाइयों को हमारी जानकारी भाई कैसी लगी भाई, तो सभी किसान भाइयों को भाई नमस्कार भाई।